मिर्ज़ापुर एक ऐसा नाम जिसको आप ये कह सकते हो कि भाई OTT पे टीवी सीरीज़ देखने की एक जो लोगों को आदत डाली ना कि भाई टीवी सीरीज़ भी अच्छी हो सकती है, इतनी अच्छी हो सकती है कि आप मूवी से ज़्यादा उसको प्रेफर करो, तो कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अब मिर्ज़ापुर का थर्ड सीज़न जिसका भाई सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुन्ना भैया को तो गुड्डू भैया ने ठोक दिया। चाहते तो वो ये थे कि भाई कालीन भैया को भी ठोक दे, लेकिन कालीन भैया कुछ ना कुछ करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब देखेंगे कालीन भैया और गुड्डू भैया के बीच में जो अब लड़ाई होगी या फिर जो उनका फेस ऑफ होगा उसको देखने का बहुत मज़ा आएगा। मैं तो कहता हूँ कुछ ना कुछ करके मेकर्स मुन्ना भैया को भी जगा दें, भाई वो भी नाटक कर रहे हों वहाँ पर बैठ के कि मुझे गोलियाँ लग गई हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके बचा लें। असली मज़ा तो तभी आएगा जब मुन्ना भैया के साथ गुड्डू भैया का फेस ऑफ हो। थर्ड सीजन की बातें निकल के आनी शुरू हो गई हैं। कई इंटरव्यूज में भी, जैसे गोलू ने भी एक बार इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो इस बार आपको देखने को मिलेगा ना, वो शायद ही आपने एक्सपेक्ट किया हो कि मिर्ज़ापुर हमें ये भी दिखा सकता था। और कुछ टाइम पहले ना एक शूटिंग की पिक्चर भी लीक हुई थी जिसमें क्या था कि गुड्डू भैया ना कालीन भैया ने जो अपना एक बोलते हैं ना मूर्ति बनाई हुई थी उसको तोड़ते हुए दिख रहे थे। तो आप खुद ही साफ लगा लो किस लेवल का हमें फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। अब इसकी डेट निकल के आ रही है, जो डेट है वो निकल के आ रही है कि इसी साल 2023 में जून में शायद ये रिलीज़ हो सकता है। अभी तक कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं हुआ है कि ये जून में रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसी खबरें भाई जब फैलना शुरू हो जाती हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई अंदर का ही आदमी है जो ये खबरें फैलाना चाहता है। और हो सकता है कि अप्रैल के एंड में या मई की स्टार्टिंग में इसका ट्रेलर भी आपको देखने को मिल जाए। तो देखते हैं, अगर मैं तो कहता हूँ ये मिर्ज़ापुर को थिएटर में भी रिलीज़ कर देंगे ना तो लोग पहले दिन भाग जाएंगे देखने। वही हिसाब है OTT पे भाई अच्छी खासी कमाई होने वाली है, और देखते हैं क्या मिर्ज़ापुर का थर्ड सीज़न हमें वही फील दिलाता है जो इसके पहले दो सीज़न करके गए हैं। क्योंकि जब मेकर्स और एक्टर्स तो भाई बोलेंगे और वो बोल भी रहे हैं कि ये उससे भी अच्छा है, डिसाइड तो जनता करेगी और बताएगी कि कितना अच्छा है और कितना बुरा। अब बात करते हैं हम ऐसी दो मूवीज़ की जो कल रिलीज़ हो रही हैं। एक का नाम है दशहरा और दूसरा का नाम है भोला, या फिर कह दो रीमेक ऑफ कैथी। तो एक सीधी सीधी सी बात है कि है तो दोनों के बीच में बोलते हैं ना राइवलरी कि कौन सी मूवी कौन चूज़ करेगा और कहाँ देखेगा। तो सीधी सी बात है साउथ में जाके तो लोग दशहरा ही देखेंगे, क्योंकि इसका सबसे अच्छा खासा रीज़न यही है कि जो भोला है वो भी है तो एक रीमेक साउथ का ही। तो दोनों साउथ की मूवी है तो इसका फ़ायदा तो दशहरा को मिलेगा ही, क्योंकि लोगों ने कैथी देख रखी है और उनकी पहली प्रेफरेंस तो यही होगी जो ओरिजिनल कंटेंट उनको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हो कि दशहरा की अर्निंग ज़्यादा साउथ में होगी ही, क्योंकि भोला शायद लोग कम देखेंगे साउथ वाली साइड। अगर बात करें दोनों की एडवांस बुकिंग की तो देखो दशहरा वाले तो लगता कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है, उन्होंने तो पहले एडवांस बुकिंग खोली नहीं, आज खोली है तो वो कितना ही कर लेगी। उनको तो भाई इस पे विश्वास है कि पहले दिन जब हमारी लोग मूवी देखेंगे वो पागल हो जाएंगे और वो जाके लोगों को सबको बताएंगे देखो 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 और सब जाके देखेंगे। और वहीं आ जाती है भोला, तो उन्होंने अगर एडवांस बुकिंग खोल भी दी है तो उनको उसका कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा तो मिल नहीं रहा। 18,000 टिकट्स अभी तक बिकी है, अगर आप इसको पैसे में कन्वर्ट करोगे भी तो 1-1.5 करोड़ के आसपास ही रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखते हैं कि पहले दिन ये दोनों मूवीज़ कैसा परफॉर्म करती हैं। और अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना हो कि ये मूवीज़ चलेंगी तभी जब ये मूवीज़ अच्छी होंगी और लोग इसका पॉजिटिव रिव्यू देंगे, रिस्पॉन्स बाहर अच्छा आएगा, लोग बोलेंगे कि जाके ये मूवी देखनी चाहिए थिएटर में, तभी ये जाके चलेंगी। नहीं तो अगर इनका रिस्पॉन्स बाहर आते ही ख़राब होगा तो मूवी भी ख़राब, प्रोड्यूसर का पैसा भी ख़राब, सब कुछ ही ख़राब समझ लो। जो कि मैं कहता हूँ कि ना ही हो तो अच्छा है, दोनों की दोनों मूवीज़ अच्छी हों, ट्रेलर दोनों के अच्छे हैं। कहीं ना कहीं जो दशहरा है वो थोड़ा थोड़ा पुष्पा से रिजेम्बलेंस रखती है, हीरो के चाहे हेयर स्टाइल हो या फिर बोलते हैं ना कि एक तरह से बियर्ड हो, हर चीज़ वैसी रॉ सी दिखाई गई है। और वहीं भोला में अजय देवगन ने मेहनत तो की है, ऐसा नहीं किया कि रीमेक बना रहे हैं तो एक सीन टू सीन उठा के वही आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज किया है। क्योंकि कैथी में बिल्कुल बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट टू उन्होंने एक रात की कहानी दिखाई थी, आगे पीछे का या फिर कोई लव स्टोरी या सॉन्ग्स ज़्यादा कुछ उन्होंने इस चीज़ की नौटंकी की ही नहीं थी। लेकिन इस मूवी में ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, शायद वो ऐसा होगा ना स्टोरी तो एक रात की चलेगी लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ऐसे कुछ सीन डाले होंगे जहां अजय देवगन को अपनी पिछली लाइफ याद आ रही होगी, या वो अपनी पिछली कहानी किसी को सुना रहे होंगे या कोई और ही उनकी कहानी सुना रहा होगा। तो कुछ ऐसा ऐसा आपको मूवी में देखने को मिलेगा, क्योंकि मूवी में ना आप जब उसके सॉन्ग्स जो रिलीज़ हो गए उसमें देखो लव सॉन्ग्स भी हैं, एक आइटम नंबर भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही। और बाकी एक्शन सीक्वेंस में भी चेंजेस किए हैं उन्होंने, उसका लेवल बढ़ा दिया है, पैसा भी ज़्यादा खर्चा है और उस पर दिमाग भी लगाया है, टाइम भी लगाया है कि जो मतलब वो चाहते थे कि मैं इस वे में दिखाऊँ कि लोग इम्प्रेस हो जाएँ। और इसकी वो प्रमोशन भी काफ़ी कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ भी वो खुद निकाल रहे हैं कि जो ये 6 मिनट का ट्रक वाला सीन है, सीक्वेंस, चेजिंग सीक्वेंस है,
वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपने कैथी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं देखी तो कल जाके थिएटर में देख लो, समझ में आ जाएगा कि इतना स्पेशल है भी है या फिर सिर्फ बोलने की बातें हैं, या फिर वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो वही ना हो जाए कहीं। बाकी देखते हैं किसमें कितना निकलता है दम और कौन सी मूवी कितना पैसा कमाती है, कल इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। कल भोला का रिव्यू भी करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, इतनी सी हेल्प से आपका बहुत फ़ायदा होता है मेरा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।